पर जो ये खरे खोटे लोग ये सत्ता में हावीज हैं वो नहीं होना चाहिए। सत्ता का मालिक हम है, ये हमारा राज है, ये जल भी हमारा है, ये जमीन भी हमारी है, सारी संपदा हमारी है और हमारी संपदा के कोई मालिक हमारे सिवा नहीं है और इसका मालिक हमको यह संपदा मिलनी चाहिए। आज का जो है गांडवाना गणतंत्र पार्टी GGP का आज सभा हुआ है और ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके आदरणीय दादा मरकान जी के वंशज श्री तुलेश्वर सिंह मरकान साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कुछ दिन पहले जो 22 मार्च को वहां मिले थे जो लखना दौन और वहां आपके अध्यक्ष भी प्रदेश के मिले थे, वहां मेरी पहली मुलाकात थी और पहली मुलाकात में इन्होंने मुझे कहा कि हमारी गुड़वाना गणतंत्र पार्टी की बैठक हो रही है, सर इसमें आप आ सकते हो। भाई मैं ऐसे देखा जाए तो हमारे लिए जब SC का कोई बैठक होता है तो हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। जब हमारे लिए हमारे आदिवासी भाई इकट्ठे होते हैं तो इसके लिए हमारी खुशी के सिवा और क्या बात हो सकती है। सभी बात का समाधान करके मैं आपकी बैठक में आऊंगा और हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को मिलने का काम करूंगा। तो आप लोगों को मिलने के लिए आया हूं, कोई इधर अगल बगल से नहीं आया हूं। मैं गुजरात से आया हूं और यहां के इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जहां मेरा जन्म हुआ है उसी गांव में नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ है और मैं वहीं से आ रहा हूं साथियों। ये जो दूसरा नंबर का है हमारा गुजराती अमित शाह, वो भी सर क्या है कि मैं मेहसाणा जिला का हूं और वहां 25 किलोमीटर दूरी पर मानसा गांव का है अमित शाह। ये अपनी जो बगल का जो अपना यूपी है और यूपी की जो राज्यपाल है कौन है, आनंदीबेन पटेल है, वो भी हमारे मेहसाणा जिला से है, वो भी 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। आपके जिले आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, वही गुजरात के मनमुभाई पटेल है, वही मेरे मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के हैं और हमारे जो मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट अभी गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल जी, वो भी मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट है और मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, गोंडवाना पार्टी के लिए आया हूँ और यहाँ गोंडवाना पार्टी को मजबूत देखना चाहता हूँ। पहली बार आया हूँ लेकिन हुंकार करता हूँ कि अगला मुख्यमंत्री हमारा आदिवासी होना चाहिए, अगला मुख्यमंत्री हमारा आदिवासी होना चाहिए। मजबूत लगे रहो। 1994 की बात करता हूं, कुछ लोगों ने जो हमारी बहन ने कहा कि ठान लो, जब 92 में ठान लिया था हमारे आदिवासी भाई और SC ST जितने भी हमारे सांसद थे, जो पूर्व सांसद थे, मंत्री संदरी, सबने ठान लिया था सर कि अगला राष्ट्रपति दलित होना चाहिए, अगला राष्ट्रपति दलित होना चाहिए और उसी बात ठान लिया, काम हो गया, KR नारायण जी राष्ट्रपति बन गए। तो इसी तरह आप भी ठान लो, आज के दिन ठान लो, आज के दिन संकल्प लेके उठो कि भाई हम घर घर जाएंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी को जगाने का काम करेंगे,
जिस दिन हमारे साथ में एससी एसटी के साथ में अगर माइनॉरिटी के लोग आ गए, अगर हमारे साथ में ओबीसी के लोग आ गए, उस दिन देखना जो हमारे प्राची साहब ने कहा है, ये जो झूठे और जो ये खरे खोटे लोग ये सत्ता में हावीज हैं, वो नहीं होना चाहिए। सत्ता का मालिक हम है, ये हमारा राज है, ये जल भी हमारा है, ये जमीन भी हमारी है, सारी संपदा हमारी है, और हमारी संपदा के कोई मालिक हमारे सिवा नहीं है, और इसका मालिक हमको यह संपदा मिलनी चाहिए। देखो साहब ने तो बोल दिया है कि मैं जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा, मैं जाके हाई कोर्ट में इसके लिए लड़ूंगा। साहब लड़िए, आप लोग सारे आदिवासी आज संकल्प लेके उठेंगे, और यहाँ पर जो सरकार बनेगी वो आदिवासी की बनेगी। मैं भी गुजराती हूँ, गुजरात के लोग आज शासन में हैं, लेकिन कैसे लोग हैं इनके खिलाफ में मुझे नहीं बोलना है, क्योंकि जो भी है मेरे भारतीय हैं, मैं मेरा भारतीयता में मानता हूँ, इसीलिए मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि आप लोग इकट्ठा हो जाओ, आप लोग संगठन मजबूत बना लो, आप लोग ठान लो, आप लोग गांव गांव चले जाओ और अपनी पंचायत बैठाओ कि अगला हमारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में आदिवासी होना चाहिए। आधी रोटी खाएंगे आदिवासी लाएंगे, आधी रोटी खाएंगे आदिवासी लाएंगे। तो ये बात पर हट जाओ, और इस बात पर अड़ जाओगे तो परिणाम अवश्य आएगा। मुझे भी जब जब मौका, आपका जो ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जब जब बुलाएगी आपके संगठन के लिए, मजबूताई के लिए, मैं हर हमेश आपके साथ हो जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा। अगर गांव गांव जाना पड़ा हमारे आदिवासी भाइयों को सहयोग देने के लिए, हमारे ओबीसी को जगाने के लिए, हमारे माइनॉरिटी को साथ देने के लिए जरूरत पड़ी, मैं मेरा अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर मुख्यमंत्री बने ये भावना के साथ में जय भारत, जय भीम, जय हिंद, जय आदिवासी की।